अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में पुराने करेंसी नोट बंद होने जा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है। इस वीडियो को मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि अगर उनके पास पुराने नोट पड़े हुए हैं तो वो उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले तब्दील कर लें और नुकसान से बच सकें। स्टेट बैंक ने कहा है कि 10, 50, 100 और 1000 वाले जितने भी पुराने नोट्स हैं उन्हें 31 दिसंबर 2022 को बंद कर दिया जाएगा। यानी जिस दिन ये साल ख़त्म होगा बिल्कुल उसी दिन ये पुराने करेंसी नोट भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। लिहाजा आपके पास एक महीना है, आप इस एक महीने में अपने उन पुराने नोट्स को तब्दील कर लें जो बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 के बाद फिर ये नोट्स नहीं चलेंगे और आपके किसी काम के नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह नए नोट्स ले लेंगे। लिहाजा जितने भी भाइयों के पास 10, 50, 100 और 1000 के पुराने नोट्स पड़े हुए हैं वो उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले तब्दील कर लें ताकि आप नुकसान से बच सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, तो क्योंकि मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मज़ीद मैं आपको स्टेट बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दूँगा और वीडियो भी कोशिश करूँगा कि अटैच कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। ये जो मैंने वीडियो की बात की थी तो ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ और वीडियो शेयर करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को रियलिटी का पता चले। जो स्टेट बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में भी ये स्टेटमेंट जारी की थी और यहाँ अपनी वेबसाइट पे भी उन्होंने यही स्टेटमेंट, बल्कि यहाँ इन्होंने वीडियो बना के शेयर की, वहाँ जस्ट उन्होंने ट्वीट किया था। तो इसका मकसद ये है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वाकई ये जो शेयर किया जा रहा है, ये जो हम देख रहे हैं, ये रियलिटी है। तो इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह उस वेबसाइट का लिंक भी शेयर कर दूँगा।